राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक कार्यक्रम में बिना किसी का नाम लिए बड़ा बयान दे दिया है। वसुंधरा राजे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग पीतल की लौंग मिलने पर खुद को सराफा समझने लगते हैं। वसुंधरा राजे ने आगे ये भी कहा कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा जमीन पर रखो। अब पूर्व सीएम के इस बयान को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पिछले साल राजस्थान चुनाव के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गजों को दरकिनार करते हुए भजन लाल शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आलाकमान का ये फैसला इतनी आसानी से राजे के गले उतरेगा। अब करीब साल भर बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसने अफवाहों को फिर से हवा दे दी है। दरअसल राजस्थान में भाजपा नेतृत्व के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के दिग्गज नेता और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अपने गृह राज्य राजस्थान के दौरे पर मंगलवार को जयपुर पहुंचे थे। उनके सम्मान में राजस्थान की भाजपा इकाई ने एक भव्य अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेम चंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौर समेत बीजेपी के कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। अभिनंदन समारोह के दौरान अपने संबोधन में वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, ओम माथुर चाहे कितनी ही बुलंदियों पर पहुंच गए, लेकिन इनके पैर सदा जमीन पर रहते हैं, इसलिए इनके चाहने वाले भी असंख्य हैं। वरना कई लोगों को तो पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो खुद को सराफा समझ बैठते हैं। जैसे ही राजे ने टिप्पणी की, लोगों ने उनका निशाना भापना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वसुंधरा का बयान भजन लाल शर्मा पर था, क्योंकि वो उनके सीएम बनने के बाद से नाराज चल रही थी। जबकि कुछ का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री का निशाना मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पर था। मदन राठौर ने हाल ही में राज्य की तारीफ करते करते उनके बारे में एक अजीब टिप्पणी की थी। पार्टी समारोह में राज्य की अनुपस्थिति के बारे में बोलते हुए राठौर ने कहा था कि जब वो दिल्ली आई तो मैं खुद देख रहा था, बड़ी अजीब सी और कमजोर सी लग रही थी। हालांकि ये सब अनुमान है, फिर भी वसुंधरा राजे पार्टी नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि वो कि प्रदेश की राजनीति में अभी भी अपना वजूद और साख रखती हैं। राजे ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि पीएम के करीबी माथुर ऊपर से गर्म और भीतर से नरम हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कमल खिलाकर असंभव को संभव कर दिखाया। विपक्षी कुछ भी कहें, गवर्नर रबर स्टैंप नहीं होता। जैसा घुड़सवार होगा घोड़ा, वैसा ही दौड़ेगा। ओम माथुर कुशल घुड़सवार हैं, जिन्हें लगाम खींचना और चाबुक चलाना अच्छे से आता है।